वही तो नहीं करूंगा मैं बंद। आटा धर दिया पीठ पे, पीठ पे अभी पांच उंगलियों के निशान भी होंगे ना अभी। चलो दे दो, मैं दिल्ली लेके चला जाऊंगा अपने साथ। अच्छा लग रहा है, पे एक बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है उसके लिए, घर के लिए। घर के लिए आपने तो पहले नहीं बोला। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ शाम को 15 अप्रैल में, और इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज शाम को हम निकलने वाले, मतलब आज रात को हम निकलने वाले हैं शिर्डी साई टेम्पल के लिए, जो कि अपना कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो वहाँ के लिए आज हम निकलेंगे कितने बजे, शाम को या कहे तो रात को 8-8:30 बजे करीब, और गाड़ी जो है वो पूरी रात भर चलेगी और सुबह जाके हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल आपसे हम वहीं चलकर बात करते हैं। सुबह 4 बजे की चाय हो रही है अपनी महाराष्ट्र में। बगल में पापा ड्राइवर सो गए, थोड़ा यहाँ रुके हैं मेनली चाय ब्रेक के लिए। बहुत थकान हो गई थी भाई, इतनी तेज नींद आ रही थी ना, पूछो मत। चाय पीते फिर दोबारा स्टार्ट करते शिरडी की तरफ अपनी जर्नी। बस पहुँच चुके शिरडी, अपना रूम नंबर है 304। नहाते धोते फिर बाबा के दर्शन के लिए निकलते हैं। तो गाइज, अभी हम शिरडी बाबा के दर्शन तो करके आ गए, पर यार यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है, जो कि भक्तों के साथ जो है ना यहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कोई भी प्रसाद जो है ना चढ़ाना अलाउड नहीं है, सिर्फ दर्शन अलाउड है। पर यहाँ के जो वेंडर्स है या फिर कह सकते हो जो मेडिएटर्स है, जो कि लोगों को बुलाते हैं और चादर देते हैं, पगड़ी देते हैं, बहुत सारे प्रसाद वरसाद देते हैं, ये सब कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ अंदर तुम खाली हाथ ही जाओगे और खाली हाथ ही बाहर आओगे, जो कि एक आपको प्रसाद दिया जाता है सिर्फ उसके साथ, और कुछ भी अलाउड नहीं होता है। देखो ये पगड़ी दिया था और चुन्नी भी दिया था, जो कि हमने वापस कर दिया। तो ये सब देखो वापस जैसे मैं लेके गया था वैसे ही वापस लौट आया है, मतलब कोई भी चीज़ लेके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो एक बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है, तो ये चीज़ तो भक्तों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। श्रद्धा के साथ लोग यहाँ आते हैं और लोग यहाँ जो है लूटने के लिए बैठे हुए। अभी हम जा रहे हैं उसी वेंडर वाले के पास जिसने हमें ये चूना लगाया था, अभी उससे बात करेंगे कि जब इन सब चीज़ों की नीड नहीं है तो हमें दिया क्यों, हमें बोल के दिया ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, इसलिए करके हमने सोचा, हम तो फर्स्ट टाइम है इसलिए हमको पता नहीं था, इसलिए हमने सब ले लिया। अभी चलते देखते क्या सीन होता है। अंकल जी, ये सब तो कुछ लिया ही नहीं अंदर, वो रिटर्न आता है। ये रिटर्न आता है तो घर के लिए लेके जाने का, नारियल बांधने के उसका। नहीं नहीं, ये उन्होंने तो बोला था ये चढ़ाना होता है, टच भी नहीं करने दिया अंदर लेके जाके। और जो आपने प्रसाद दिया था लेके जाने के लिए, वो तो बाहरी गेट पे रख लिया। छोटा प्रसाद है ना, उधर जाता है घर का प्रसाद, गेट पे जहाँ चेकिंग होता है ना वहीं पे साइड में एक डब्बे में फेंक दिया। कुंडी में डालना पड़ता है बाबा का, कुंडी है बाबा के, अंदर तो लेके जाने ही नहीं दिया ना। और ये सब भी तो कुछ चढ़ाने तो दिया नहीं आपने, बोला ये किसके लिए आता है? हाउस के लिए, घर के लिए। घर के लिए आपने तो पहले नहीं बोला, उन्होंने बोला जो हाउस के लिए आता है वो रहेगा इसमें, और ये चीज जाके आपको चढ़ाना है। तो गाइज, अभी शिरडी के मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, और हमारा चिंटू ने किसी एक चीज को देख लिया, उसको लेके भाई जिद पे बैठा हुआ है, जब तक वो खरीदेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। चल रहा है सही से? ओ ए चिंटू, देख रहे हो अपने बगन में ये ले लिया, बस ऐसे ऐसे करके ले ही लिया, उठा भी नहीं पा रहा, इतना भारी है। इतनी खुशी देखो इसके चेहरे पे, खुशी देखो। वही तो नहीं करूंगा मैं बंद। भाई साहब पागल हो गया था। और एक पड़ भी गया, बुआ ने एक चांटा धर दिया पीठ पे, पीठ पे भी पांच उंगलियों के निशान भी होंगे ना अभी। तुमने इतना भारी सामान खरीदा, अब तुम ही उसे उठा के लेके जाओगे, कोई और क्यों पकड़े? चलो दे दो, मैं दिल्ली लेके चला जाऊंगा अपने साथ, मैं दिल्ली लेके चला जाऊंगा भाई। चिंटू तुम तो बहुत चंट निकले, भैया को पकड़ा ही दिया आखिर तुमने। है ये बंद नहीं होगा ये वीडियो, ये बंद नहीं होगा ये वीडियो, ये वीडियो बंद नहीं होगा, ये वीडियो बंद नहीं होगा, ये वीडियो बंद नहीं होगा। कितने तेज हो तुम, भैया को आखिरकार पकड़ा ही दिया, देख रहे हो इतना भारी सामान बेचारे को, देखो मतलब उसको तुमने कूली समझ रखा है क्या? हाँ शाबाश, अपना सामान खुद ही उठाओ, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये मिस्टी के लिए ये बैग लिया है, बाकी बहुत देर से शॉपिंग हो रही है मम्मी और बुआ की, फिलहाल अभी चलते कुछ खाते पीते महाराष्ट्रियन, कुछ ट्राई करते। ये आ गई है अपनी पाव भाजी, कैसा है? अच्छा लग रहा है। बोल रहा अच्छा नहीं है। ये आ गई है पंजाबी थाली, ये आ गया अपना मिसल पाव, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ भाई महाराष्ट्रियन मिसल पाव। ये आ गया अपना डोसा, सांभर उतना अच्छा नहीं हो रहा यार, नारियल की चटनी के साथ खा देता हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ का, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गाइस ट्राई कर रहे हैं महाराष्ट्र का फेमस स्नैक वड़ा पाव विथ मिर्ची, बिकी जल्दी खा, क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ डाला है इसके अंदर? अच्छा टिक्की है विथ मिर्ची, मिर्ची मिर्ची भी तो खा, तभी तो असली टेस्ट पता चलेगा इसका, सही लग रहा है। मैं थोड़ा ट्राई कर,
इसमें मिर्ची के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतना ज़्यादा खास नहीं होता यार महाराष्ट्र का खाना, हर चीज़ को खाली पाव के साथ मिला मिला के अलग डिश बना देते हैं पाव के साथ। हर चीज़ मतलब मिसल भी खाओ पाव के साथ, भाजी भी खाओ पाव के साथ, वड़ा भी खाओ पाव के साथ, चिकन भी खाओ पाव के साथ, मटन भी खाओ पाव के साथ, क्या पाव 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 इतना हाइप बना रखा है। इतना खाओ कुछ खास नहीं है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। चलो फिलहाल अभी निकलना है घर की तरफ। इस बीच रास्ते में अपनी गाड़ी ख़राब हो गई है तो यहाँ पे एक होटल में रुके, मिक्स वेज और रोटी मंगाए, खाते फिर चलते हैं। तो गैस खाना पीना खा लिया, एक्चुअली हमारी गाड़ी है उसका ना ब्रेक फेल हो गया था तो ब्रेक सही करवा रहे थे, तो उतने में सोचा थोड़ा पेट पूजा कर लेते, चलो अब निकलते। सो गैस 11 बजे के निकले थे शिरडी से और अभी पहुँचे 8:30 बजे। तो होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, मिलते फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। ड्रिफ्ट मार के दिखा, नहीं मार भाई।